प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। लंबे दिनों से जो कसमकस बनी थी 7 जुलाई को दूर कर दी गई है। इस विस्तार में बिहार से 2 नए मंत्री बनाए गए हैं, एक है पशुपति पारस तो वही दूसरे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास RCP सिंह। मगर इन सबके बीच जो बिहार के लिए एक बड़ी बात हुई वो ये कि पटना के सांसद और कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद से उनकी मंत्री की कुर्सी छीन ली गई। रविशंकर प्रसाद कायस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और BJP के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। मगर रविशंकर प्रसाद के बारे में जो आम लोगों का और खासकर कायस समुदाय के लोगों का नज़रिया है वो कोई बढ़िया नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो रविशंकर प्रसाद की ग्राउंड पर पकड़ 0 है। रविशंकर प्रसाद को कहा जाए तो कभी भी वो आवाम के नेता नहीं बन सके, यानी उनको कभी भी मास लीडर के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। रविशंकर प्रसाद ने भले ही अपने छात्र जीवन से छात्र राजनीति में हिस्सा लिया मगर वो कोई बड़े जन नेता नहीं बन सके। रविशंकर प्रसाद राज्यसभा सांसद रहे हैं। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने BJP छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा तब BJP ने रविशंकर प्रसाद को उनके खिलाफ पटना से खड़ा किया और वो चुनाव जीत गए। रविशंकर प्रसाद पहली बार आम चुनाव जीतकर सांसद बने हैं जबकि इससे पहले वो लगातार 4 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, इसलिए वे बात साफ है कि उनकी पकड़ आम जनता पर ज़्यादा नहीं है। अब जब उन्हें PM मोदी के कैबिनेट से बाहर कर दिया गया तो ये कहा जा सकता है कि बिहार की कास्ट राजनीति में एक तरह का वैक्यूम हो गया है। उधर कास्ट नेताओं की बात की जाए तो बिहार में BJP के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं RK सिन्हा, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के मालिक भी हैं। ये भी कायस्थ समुदाय से आते हैं मगर वो अपने बिजनेस की वजह से राजनीति में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है। और उनके बेटे ऋतुराज भी बिहार से बाहर ही रहकर पिता की राजनीति ही नहीं बल्कि बिजनेस की विरासत पर ध्यान दिए हुए हैं। ऐसे में बिहार में कायस्थ की राजनीति की अगर बात की जाए तो एक लंबे समय से बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में इस समुदाय की हिस्सेदारी नहीं रही है। यहाँ तक कि बिहार में नीतीश कुमार की NDA सरकार में भी पहली बार किसी कायस्थ को मंत्री बनाया गया है और वो है नितिन नवीन, जो बिहार सरकार में 2020 में सड़क निर्माण मंत्री बनाए गए। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर से लगातार 4थी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। इनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी लगातार 4 बार विधायक रहे थे। अचानक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु साल 2006 में हो गई थी। उसके बाद उनकी विरासत को नितिन नवीन ने आगे बढ़ाया। वो मात्र 41 साल की उम्र में बिहार सरकार में मंत्री बन गए। अब ये सच्चाई है कि जब एक लंबे समय के बाद बिहार सरकार में कोई कास्ट मंत्री बना है, ऐसे में अब नितिन नवीन को ही बिहार में कास्ट समुदाय की जिम्मेदारी उठानी होगी और इस समुदाय के वो बड़े नेता बन सकते हैं।